पायल, देखिए आप छोटे पर्दे से, बड़े पर्दे से, डिजिटल जो कमर्शियल डिजिटल है वहां से आप गायब थी काफी समय तक। उसके बाद ये ऑफर आया होगा, आपने काफी कुछ सोचा होगा, इस ऑफर के लिए लंबी बातचीत, लंबी मीटिंग हुई होगी। कैसे ये अप्रोच किया गया, आपको क्या बताया गया था, कैसे आप अंदर ये जर्नी, अगर आप। मेरे को एक कैस्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस से फोन आया था कि ये एक शो है कोई जो कैप्टिव रियलिटी शो है और एंडमॉल कर रहा है। अब एंडमॉल के साथ मैंने 2008 में काम किया था, तो आई न्यू दैट देयर आर प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउस, तो आई सेड ओके आई विल गो एंड डू द मीटिंग। मगर जब मैं शो के क्रिएटिव से मिली थी, मुझे नहीं पता था कि कंगना इस शो की होस्ट है, ना आई थिंक उनको पता था या वो लोग बातचीत कर रहे थे, मगर हमारे साथ डिस्क्लोज नहीं किया गया था। एंड शो साइन करने के बाद, यू नो, कॉन्ट्रैक्ट पे डिजिटल सिग्नेचर जाने के बाद मुझे पता चला कि शो का फॉर्मेट जेल जैसा है। मुझे लगा बिग बॉस जैसा होगा, बिकॉज कैप्टिव रियलिटी शो ऐसा बोला गया था, मगर इतना सिवियर होगा कैप्टिव रियलिटी शो, जेल जैसा, जहाँ पे आपको कपड़े भी नहीं दिए जाएंगे, यू नो, सूर्य की किरण भी आपको नहीं मिलेगी, आप कंप्लीटली, यू नो, अलग तरीके से केज्ड होंगे। ये मुझे शो साइन करने के बाद पता चला। इवन Kangana as the show host, I came to know after signing the show. So it was very, very shocking to me. प्रोमोज देखने के बाद कि मैं ये शो के लिए साइन कर बैठी हूँ। बट देन आई वॉज लाइक पायल, लाइफ इज फुल ऑफ टेकिंग रिस्क्स एंड यू आर अ ब्रेव गर्ल। तो अभी आपने शो साइन कर लिया है, बात पैसे की नहीं है, बात है प्लंज लेने की, रिस्क लेने की लाइफ में। एंड मुझे एज एन एक्टर वापस करना था, वापसी करनी थी, तो आई सेड आई हैव टू टेक दिस प्लंज, वेदर आई एम स्कैर्ड और यू नो आई डोंट नो व्हाट माय रिएक्शन वाज सीइंग द जेल का प्रोमोज, जहाँ पे बहुत एक्सप्लोसिव प्रोमोस काटे गए थे अबाउट नहाते हुए कैमरा एंड यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो वो सब देखने के बावजूद मैंने डिसाइड किया कि आई विल स्टिक टू माय कॉन्ट्रैक्ट एंड आई विल डू द शो। And I'm glad I did the show because लोग मेरे ये सेल्फ से you know वाकफ नहीं होते if I would have not been a part of the show। जब पहली बार एकता आई थी और एकता ने आपकी तारीफ की और कहा यहाँ पे एक ही विनर है मेरी नजर में इस समय, बस उस दिन मुझे लग गया था कि ये ट्रॉफी आपके नाम होने वाली है और मैं कॉन्फिडेंट हो गया था आपको लेकर। आप कब कॉन्फिडेंट हो गई थी? मैं भी तभी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मैं एक एटलीस्ट बैडास हूँ जो रियल लाइफ में, और वो एकता को पसंद आ रहा है बिकॉज एकता इज अ लेडी हु हैज डन अ लॉट of work and she has established herself as a you know successful woman producer in television industry and film industry also. She has done a lot of good work, so I was also happy ki unko main pasand aa rahi thi because I have not been friends with her. You know, I'm very opinionated about lot of things and Sushant Singh Rajput ke dehant ke baad maine bahut logo ke upar videos banaye the jo मेरी कोई निजी, जिनके साथ मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बट आई वॉज वेरी वेरी अपसेट विद हिज डिमाइस एंड आई वॉज वेरी वेरी एंग्री एट बॉलीवुड एंड एट द बिग विग्स। मगर उसके बावजूद आई एम ग्लैड दैट वी प्रोफेशनली वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड एकता लाइक्ड मी एज अ बैडास, विच इज वेरी वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग बिकॉज ये फॉर्मेट था शो का, बैडास होना, जो पायल रियल लाइफ में है। सो शी जस्ट हैड टू प्ले हरसेल्फ, सो आई एम वेरी ग्लैड शी लाइक्ड मी. And that is when I was also very, very happy with my game at that time.